चलिए आज आपको दिखाते हैं इस ब्रिज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। जो ब्रिज आपका बन रहा है देवघर का सबसे पहला ब्रिज होगा, ओवर ब्रिज होगा, जो कि आपका मेन रोड पे बना है नेशनल हाईवे 333 पर। और आज हम इस ब्रिज पे चलेंगे और वहाँ मौजूद है, देखते हैं किनसे किनसे बातें हो पाती है, कौन कौन बात करेंगे, कौन कौन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोग कैमरा के सामने आने से कतराते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। और यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से इधर तक ढलाई वगैरह हो चुका है। और ये जो स्लोपिंग है इधर देखिए, ये जो ढलान है जिसमें कि मतलब ये जो रोहनी तरफ जो रोड जाती है, इधर पूरा काम हो चुका है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि ये पूर्ण रूप से वहाँ तक काम हो चुका है। और आसपास जितना भी बिल्डिंग है सब देखिए टूट रहा है। और ये बिल्डिंग देखिए कितना ही सुंदर, और ये लॉज था शायद, सारा चौकी वगैरह बुक्स वगैरह सारा स्टूडेंट का रखा हुआ है जो कि टूट चुका है। और ये देखिए आपका कुछ सिंबल है, ये लगता है कि ये महामाया मोटर ट्रेनिंग का सेंटर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल सारा कुछ लिखा हुआ, और महामाया मोटर ट्रेनिंग इसी के आसपास था, उसी का बिल्डिंग है। और ये देखिए पूरा गलियाँ वीरान पड़ा हुआ है, सब कुछ टूट फूट के एकदम सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका है। चलिए ब्रिज पे चलते हैं। हेलो गाइस, नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं द जनता प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड के सांस्कृतिक राजधानी देवघर में। और देवघर का जो पहला ओवर ब्रिज बोल सकते हैं, जो देवघर जसीडीह मुख्य मार्ग पे नेशनल हाईवे 333 पे बन रहा है, जो सत्संग हॉल्ट के पास बन रहा है। आज इस वीडियो में आपको ये पूरा ब्रिज के बारे में आपको पूरा दिखाऊंगा। इस वक्त मैं ब्रिज पर ही चल रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं कि ये रोहनी से आती है, ये जो रोड आ रही है रोहनी से आती है। और इधर जो चला जाएगा आपका, ये बाईपास निकल जाएगा पूरा आपका कुमेठा नंदन पहाड़ बरमसिया होते हुए। और इस ब्रिज को आज हम जो है सो पूरा एक्सप्लोर करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ ब्रिज के आसपास जितने भी सारे घर हैं वो एकदम टूट चुका है। ये देखिए पूरा खिड़की उड़की जो काम का चीज़ था, लकड़ी वगैरह सब कुछ जो घर वाले हैं वो ले गए हैं, और सारा घर यहाँ पे टूट रहा है। कितना दूरी तक है और क्या तोड़ने का जो प्रक्रिया है, आइए हम बातें करते हैं। यहाँ पर कुछ इंजीनियर्स भी मिलेंगे, कुछ लेबर भी मिलेंगे, कुछ मिस्त्री भी मिलेंगे, हम सबसे बातें करते हैं और ये भी जानेंगे कि ये ब्रिज कितना दिनों से बन रहा था और अब और कितना वक्त लगेगा, इन सभी तमाम चीज़ों को जानेंगे। आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये ब्रिज के आसपास जितना भी घर हैं वो देखिए एकदम आपका वीरान पड़ा हुआ है, यानी कि टूट रहा है। ये देखिए आप तोड़ते हुए भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे लेबर लगा है और बड़ा बड़ा हथौड़ा से सब कुछ तोड़ रहा है धीरे धीरे। और उधर तो आपको दिखाए थे कि जेसीबी से भी टूट रहा है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग है वो जेसीबी से भी टूट रहा है। सबको तोड़ने का मौका दिया है, जितना आप अपने सुविधा अनुसार जो चीज़ें हैं वो सबको ले जाइए खोल के तोड़ के, ताकि वो बर्बाद नहीं हो। आइए हम थोड़ा सा बातें करते हैं। यहाँ पर कुछ इंजीनियर साहब हैं, कुछ बात करते हैं ज़रा सा। चलिए
और आगे देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे। देखिए यहाँ तक तो स्लोप था, और यहाँ से जो है आपका यहाँ जहाँ तक अभी हम चल के आए हैं इसमें कोई पिलर वगैरह नहीं है। यहाँ पे है ना वो ढलान है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा वो ढलान वाली चीज़ें हैं। लेकिन अब जो है सो पिलर जो शुरू होता है, सो आप देखेंगे यहाँ से पिलर शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ से जो है सो ढलाई वगैरह पूरा हो चुका है। और जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कुछ मेजरमेंट हो रहा है, कुछ मिलाया जा रहा है। ये क्या है भैया जैसे मिला रहे हैं आप ये? हाँ जी, क्या बोले? अच्छा सर तो बताया था, आपको नहीं मालूम है ये? अच्छा, इधर देख पा रहे हैं ये घर वर पूरा जो है सो सुनसान पड़ा है, सब ये सब सारा टूट जाएगा। और ये तो जो आप देख पा रहे हैं बड़ा बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के बारे में आपको बता दूं, ये जो बिल्डिंग है देवघर का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लॉज में से एक रहा था ये। अब तो ये पूरी तरह से देखिए खंडहर में तब्दील हो चुका है, बिकॉज ये जो है ये प्रभु यादव का जो लॉज है जिसमें कि स्टूडेंट के साथ साथ फैमिली वाले, व्यापार वाले, रेड़ी मजदूर वाले हर तरह से इसमें लोग रहते थे। और इसमें देखिए सारे खिड़कियां, गेट, दरवाजे, जितना भी चीज़ें था सब कुछ तोड़ करके उखाड़ करके ले गया, और इसका भी डिमोलिशन हो जाएगा, कब होगा मुझे नहीं मालूम। और इधर भी देख पा रहे हैं आप काम करते हैं? अच्छा, यहाँ पे देखिए सिर्फ ये ढलाई हुआ है अभी, इसमें और काम बहुत सारा बाकी है। इधर आप देखेंगे बहुत सारा जो है सो काम इधर हमारा बाकी है। यह श्रीराम साइकिल, ओह माय गॉड, ये तो मैं गिर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे होगा वो ड्रेनेज सिस्टम। ये है चर्च है, सत्संग का चर्च है। और हम जो जा रहे हैं देखिए बीच बीच में एक जो थोड़ा सा ये क्लैंप जैसा है, इसका मतलब है कि बीच में वो डिवाइडर बनेगा। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं हम लगभग अब जहाँ पर रेलवे लाइन क्रॉस करती है वहाँ तक आ पहुँचे हैं। और आपको यहाँ से ये कैसा नज़ारा दिखने वाला है आप ज़रूर देखिएगा। मेरे हिसाब से इस ब्रिज को जो चढ़ने वाले हैं पूरा वीडियो के रूप में आप तक पहुँचाने वाले हैं वो मैं यानी अनिल कुमार पहला हूँ। आप पूरा ब्रिज को जो है सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, देखिए ये बालू वगैरह गिरा हुआ है बकायदा। गाड़ी तो मैं उधर ही रख दिया हूँ, लेकिन गाड़ी भी यहाँ तक आ सकती थी लेकिन आने देता नहीं। यहाँ पर मैं देखिए अब एकदम बीचों बीच आ चुका हूँ। यहाँ पर ढलाई का काम जो है सो हो चुका है, लेकिन इस इसमें जो साइड में जो होता है फुटपाथ जैसा, यानी कि जो आदमी का चलने वाला, वहाँ पर ये देखिए सेंटिंग वगैरह हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है सो काम चल रहा है, ये है बड़ी बड़ी मशीनें। थोड़ा सा चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो हम मौजूद हैं यहाँ पे, देख पा रहे हैं ढेर सारे काम करने वाले हैं, वर्कर हैं, कुछ बड़े बड़े मशीन है यहाँ पे, सेंटिंग वगैरह चल रहा है। हम बातें करते हैं, क्या नाम है आपका? सुभाष जी, ये ब्रिज का काम कब से चल रहा है? ब्रिज का काम मोटा मोटी 3 से 4 साल होने लगा, 4 साल। अच्छा, और उम्मीद है कितना दिन तक ये और चलने वाला है? मोटा मोटी मार्च तक हम लोग ब्रिज को बना देंगे। अच्छा, मार्च तक ब्रिज बना। हाँ, कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? मार्च तक ब्रिज हम लोग सोचे पूरा कंप्लीट कर देंगे। मार्च के बाद एक साइड का मतलब यही खाली स्लोप है, स्लोप बनाने में जो भी समय लग जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, उधर का तो स्लोप देखिए बन चुका है ना, उधर का बन गया। हाँ, इधर बाकी है, इधर का काम इधर बाकी, यानी कि इधर जाएगी बरमसिया तरफ ना। बरमसिया होते हुए किधर निकले? कुमेठा ये क्या? बरमसिया होते हुए सीधे निकल जाएगा रंगा मोड़ होते हुए। अच्छा, ये मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं
वो इधर इधर से निकलेगी ना, बिहार साइड पूरा घुस जाएगा उधर सुल्तानपुर। अच्छा, जैसे कि ट्रक वगैरह अभी देखते हैं रात को गुजरती है, तो ट्रक वगैरह इसी से गुजरेगा ना, हैवी गाड़ी है वो सारा निकल जाएगा। हाँ अच्छा, और आप लोग भी, आप चला रहे थे वो काट रहे थे, आपका क्या नाम है? और वो उससे क्या करते हैं वो जो काट रहे थे? उससे लकड़ी उकड़ी काटते हैं। हाँ, सेंटिंग वगैरह, ये जो आप जैसे कि देख पा रहे हैं वो फुटपाथ जिससे आदमी चलने वाला बन रहा है ना, हाँ उसका सेंटिंग चल रहा था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, आप लोग काम करिए। आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हम लगभग जो है सो अब ब्रिज के बीचों बीच पहुँच चुके हैं। इधर देखिए बहुत सारे कांटी वगैरह है, सावधान होना बहुत ज़रूरी है। आइए थोड़ा सा और बातें करते हैं। क्या नाम है भैया? इधर देखिए इंदिरा, क्या नाम है? मेरा नाम, हाँ, और ये क्या हो रहा है? वेल्डिंग हो रहा है ना? अच्छा ठीक है, करिए करिए करिए, कोई बात नहीं। इसको नहीं देखना चाहिए ना? अच्छा, इसको देखने से आँख में दिक्कत हो सकती है, और आप उससे देखते हैं वो काला शीशा है ना? अच्छा ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है ना? अच्छा, बहुत दिन जो काम करेंगे तो जो बहुत दिन से काम कर रहे हैं उसको आँख में दिक्कत हो सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं होता है। हाँ, ये शीशा रहेगा, कुछ नहीं होगा। हाँ ना, सावधानी से काम करते कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा चलिए और आगे। अच्छा हाँ हाँ, आप जैसे कि देख कर रहे हैं हम जो है सो रेलवे लाइन, हाँ यहीं पर रेलवे लाइन ना, हाँ लगभग ये है कि ब्रिज का यही बीचों बीच है ना? हाँ सेंटर है, ये सेंटर तक हम पहुंच चुके हैं और ढलाई का काम यहाँ से आगे भी हो चुका है। इधर जो है सो अच्छा मेन रोड तक जो है सो जैसे कि देख पा रहे हैं कि पिछले 5-7 दिन से जो रोड बंद था इसी के लिए ना, ना भैया? अच्छा, तो मेन रोड तक हो चुका है और यहाँ से आप देखिए हम जैसे सत्संग चौक पहुँच चुके हैं और ये सब वो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिससे ढलाई का काम किया जा रहा है। आप देखें, अब मैं जैसे पूरी तरह से सत्संग चौक पहुँच चुका हूँ। ये है मनोरमा होटल, मनोरमा होटल का भी कुछ पार्ट टूटा है ना, ना भैया? ये भी कुछ पार्ट टूटा है होटल का? था, हाँ, और यहाँ देखिए ये है हमारा एसपी ऑफिस ना। हाँ, ये आपका सर्किट हाउस है जज का। हाँ अच्छा, सर्किट हाउस जज का, और इधर जाने से कोई दिक्कत नहीं जाए वहाँ तक? अच्छा, इधर जो है हो चुका है, इधर ढलाई हो चुका है, पानी वगैरह दिया जा चुका है, धीरे धीरे सब कुछ अब जम गया है। इधर जाने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो है नेशनल हाईवे 333, जो कि इस हाईवे पर ये ब्रिज बना है। हाईवे और वो देवघर जसीडी जो रेलवे लाइन है वो दोनों के ऊपर ये ब्रिज जो है बनाया गया है। अब यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक जाम का कोई समस्या नहीं होने वाला है, और ये देख पा रहे हैं। और इधर आप देखिए ये जो है जसीडी तरफ से आ रही है, ये जसीडी देवघर मेन रोड है, और ये है आपका सत्संग कॉलेज। सत्संग कॉलेज के पास ये है बजरंगबली का मंदिर, ये हर कोई जानते हैं। और यहाँ पर जो है सो जाने माने कोजी स्वीट है, इधर है डीजी वर्ल्ड है, और ये आपका रोड निकल जाएगा बरमसिया, उधर देवघर कॉलेज हाईवे में, ये बाहर जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं सब इधर ही क्रॉस करेगा। इधर जाना उचित नहीं है क्योंकि इधर खतरे है। और यहाँ पर देखिए कुछ दुकान था, किराना दुकान था, मोबाइल दुकान था, वो देखिए तोड़ने का काम जो है सो चल रहा है। और वो है डीजी वर्ल्ड, डीजी वर्ल्ड भी अभी तो बिल्डिंग खड़ा है, वो बड़ा वाला बिल्डिंग भी टूट जाएगा। हाँ है ना, MRF का बिल्डिंग। अच्छा अच्छा, जो नहीं तोड़े उसको क्या करेगा? प्रशासन तोड़वा देगा का, तो तोड़ दिया अपने से यहाँ का जो सबको पैसा मिल गया, तोड़ दिया। अच्छा हाँ, सबको अच्छा, सबको पैसा मिलेगा उचित ना? उसको कोई दिक्कत है, अगर पैसा वैसा में कोई प्रॉब्लम है तो वो पैसा के लिए अपना दिन निर्धारित किया है कि इतना दिन मुझे समय दीजिए, मेरा पैसा आ जाएगा तो हम तोड़ देंगे। हाँ,
जैसे कि देख पा रहे हैं जिसको कि पूर्ण रूप से मुआवजा मिल गया है, वो अपना घर जो है सो शिफ्ट कर लिया, जितना भी चीज़ें था लकड़ी वगैरह फर्नीचर वगैरह सब खोल के ले गया और मकान जो है सो अपना मिस्त्री ला करके तोड़वा रहा है ना, नहीं तो फिर जेसीबी से आपका टूट जाएगा। और जो बिल्डिंग खड़ा है उसमें कोई अभी टाइम लिया है, हो सकता है उसको कुछ पैसे, हाँ कुछ पैसा उस सब में अभी सरकार से बात नहीं बनी होगी, या फिर बड़ा बिल्डिंग है वो सब तोड़ेगा, लेकिन सब कुछ जो है सो ठीक ठाक है। इधर आप देख पा रहे हैं ये है मेन रोड, यहाँ से आपका देवघर बाज़ार की ओर चला जाएगा। ये है मनोरमा, यहाँ पर ढेर सारे आइसक्रीम पार्लर, आपका डोमिनोज, पिज़्ज़ा, क्या क्या बन गया नहीं मालूम। तो यहाँ पर जो है सो आपको पूरा ब्रिज जो है सो लगभग मैं आपको दिखा चुका हूँ, और चलिए यहाँ पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। और जितने भी सारे व्यूवर्स हैं सबसे मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक इफ दिस वीडियो इज़ ऑसम देन लाइक, एंड प्लीज़ लीव अ कॉमेंट, एक गुड कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद। हर हर महादेव।